कक्षा एक और पांच की जो परीक्षा हुई थी 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी के द्वारा जो ली गई थी शिक्षक भर्ती के लिए, उसका हम जनरल स्टडी का क्वेश्चन सेकंड सिटिंग के जनरल स्टडी का क्वेश्चन को देखेंगे, 120 क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें क्या क्या पूछा गया था कक्षा एक और पांच के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है इंग्लिश में देखते हैं, अगर हिंदी में तो चलिए हिंदी में देखते हैं। यदि ये दे रखा है तो इनकी वैल्यू हमें निकालना है, आपको पता ही होगा चीजें कि ए की पावर एन इक्वल टू 1 बाई ए की पावर माइनस एन, मतलब नीचे जाता है तो पावर माइनस हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टी को पता होगी। तो 3/4 है और ये 4, तो इसको भी हम देख लीजिए 3/4 है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 पहला बचेगा 3/4 और ऊपर में रहेगा -6 इंटू, ये हो जाएगा उल्टा कर दिया इसको 3/4, तो पावर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, माइनस ये 8 था तो +8 हो जाएगा इक्वल टू 3/4। फिर एक प्रॉपर्टी होता है अगर पावर ए की पावर एन है और बी की पावर एम है, सॉरी ए की पावर एन है और ए की पावर एम है, तो ये हो जाता है ए की पावर एन प्लस एम, मतलब बेस अगर सेम है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेस सेम है 3/4 3/4, तो इसको ऐड कर देंगे, -6 + 8 कितना हो जाएगा, -6 + 8 हो जाएगा आपका 2, तो 3/4 इक्वल टू -6 + 8 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू एन। देखिए बेस सेम है तो कंपेरिजन कर दें, एन इक्वल टू -6 + 8, तो एन इक्वल टू 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका आंसर 2 है, 2। दूसरा क्वेश्चन है वही सेम प्रॉपर्टी लगाया जाएगा, 1/4 है 1/8 है, उसको लिख लेते उस तरह से। पहले इसको उल्टा करके लिखिए, इसको लिखिए 1/4 प्लस इसको, चलिए अभी इसको थोड़ा उल्टा करके दिखाते हैं। ये अगर पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर 2, ये ऊपर चला गया 1/1 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला गया तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक। और एक और डिवीजन है ना, तो डिवीजन को अगर इन, चलिए छोड़िए अभी अभी लिख लेते हैं। फिर ये लिखिए 1/4 + 1/8 डिवीजन कितना है, 3/2 की स्क्वायर। और इसको अगर इंटू करना है, डिवीजन का मतलब क्या हुआ, 3/2 का स्क्वायर नीचे में है ना, तो नीचे में है अगर उसको ऊपर में लाना, तो अगर हम इसको ऊपर में लाना चाहते हैं, मान लीजिए 1/4 + 1/8 3/2 की पावर स्क्वायर, यही है। अब इसको हमें ऊपर लाना है, ठीक, ऊपर लाने में क्या माइनस हो जाता है पावर, ठीक ना, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर -2, यही चीज़ हो जाएगा। तो उसको फिर माइनस को हटाने के लिए क्या, अगर उल्टा कर देते हैं 2/3 के स्क्वायर कर देते हैं, 2/3 के स्क्वायर कर देते हैं, तो इंटू में ही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 1/4 + 1/8 का 1/8 × 2/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 से 3 कट गया और 4 से 2, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि ए ऐसे है, तो देखिए पहले दो क्वेश्चन में आपको दिख रहा था, पहला दो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी मेन है मैथ का, याद रखिए यही काम आ रहा है। ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक। और ये है 1/b की पावर n, इसको लिखिएगा b की पावर a लिखिएगा तो माइनस एन हो जाएगा, ठीक। उल्टा करेंगे तो पावर माइनस हो जाता है, माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/
ए की पावर बी बटा माइनस एन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए की पावर माइनस बी बटा माइनस एन, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसको ध्यान में रखें, आगे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। इफ ए इतना है, ये इतना है और ये इतना है, तो ए बी सी डी का निकला है। ठीक, तो हम सभी का बेस हटा देते हैं, जैसे कि बेस हटाने मतलब ए इज टू बी दे रखा है 1/2 इज टू 3/8। ठीक, तो अब 8 से गुना कर दीजिए, इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो मतलब इनटू 8 करना है, तो ऊपर में 4 बचेगा और 8 से 8 कट जाएगा तो 3 बटेगा, मतलब ये ए इज टू बी 4:3 है, इसका कहने का मतलब ए इज टू बी 4:3 आ गया। ऐसे ही बी इंटू सी कीजिए, 1/3 था इस तो 5/9, इसको 9 से गुना, 9 से गुना कीजिए तो 9 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/3:5 आ जाएगा, है ना। तो बी इंटू सी 30:5 हो जाएगा। देखिए ये और ये चीज सेम है, 3:5 सभी सेम है। हाँ, 1/3 या 5/9 लिखिए और 3:5 लिखिए, सब सेम है। और फिर सी इंटू डी लिखिए, 5/6 है इंटू 4/3, 3/4, तो इसको 12 से गुना कीजिए, है ना। तो 12 से गुना कीजिएगा तो 6 × 12 होता है, और तो 5 × 10 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या आ गया, ये आ गया 10:9। अब ए एस टू बी एस टू सी पूछा आपसे, तो ए एस टू बी और बी एस टू सी दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी का देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां, तो सीधे हो जाएगा ए एस टू बी एस टू सी, यहां पे आराम से हो जाएगा ए एस टू बी एस टू सी आ जाएगा आपका 4:3:5, जो कॉमन लेना है ना, ये कॉमन होना चाहिए ना, 3 3 कॉमन है, ठीक ना। पर यहाँ पे देखिए आपका 20:C है 3:5, C:D है 10:9, तो इसलिए 20:C को आपको दुगुना करना पड़ेगा यहाँ पे। जब ये दुगुना कीजिएगा तो देखिए, पर देखने में लेंदी लग रहा है, मगर आप कीजिएगा तो बहुत ही आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा आपका। क्या था, हाँ, डी इज टू ने यहाँ पे देखिए सी सी कॉमन है, पर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा दोनों में, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, ये हो जाएगा 6:10 हो जाएगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा, कि 2 कॉमन ले लीजिए तो 3:5 ये भी है, 3:5 है, तो ऐसे ही हो गया 6:2, पर यहाँ पे बी और बी कॉमन है पहले और दूसरे में, पर यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, अभी ये 3 है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 8:6 करना पड़ेगा, और ये कितना है 10:9। तो ए टू बी टू सी टू डी क्या हो जाएगा, 8:6:10:9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चौथा क्वेश्चन, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों ने मिलकर काम पूरा करके इतना रुपया प्राप्त किया, तो उनके हिस्से कितना है, तो जितना दिन काम करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को पैसा मिल रहा है, मतलब 11 दिन इंटू कुछ पैसा एक दिन का मिल रहा है, 100 रुपया, मान लिया एक एक मजदूर को जैसे कितना, 500 रुपया मिलता है, तो इंटू 5 कर देंगे, कोई 17 दिन काम करता है तो इंटू 500 रुपया करेंगे, तो वो टोटल मिला के जो है वो आपको ये दिया हुआ है, तो ऐसे ही निकालना है, टोटल कितना दिन काम हुआ है, 11 दिन और 17 दिन, 11 से 28 दिन हो गया, और एक दिन का काम का मान लीजिए पैसा मिलता है आपको x, तो 28 × x हो गया 5600 रुपया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपया हो गई। अब आपको पूछ रहा है सबका, तो 11 × 200 कितना हो जाएगा, 2200 रुपया हो गए एक का, और 17 × 2 = 200, 3400 हो गया, तो 3400 और 2200 यही ऑप्शन है इसमें। ए का वजन बी के वजन का 25%, सी का वजन का 40% है, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो देखिए
जो बोला है बोल लिख दीजिए। ए का जो वजन है मान लीजिए ए है 25% बी का वेट है। 25% मतलब कितना होता है, 25% ऐसे लिखिए तो ये कितना आ जाता है 1/4, मतलब 1/4। और 40% ऑफ सीज वेट है तो 40/100 लिखिए। दो बटा पांच है, 40% मतलब कितना था 2/5, 2/5 ऑफ सी। ठीक, तो ये आपको रिलेशन आ गया। आप पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज बीज वेट। सी वेट का मतलब कि सी वेट का मतलब कहाँ गया, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। अब सी के वजन का मतलब सी आप नीचे लिखिएगा ठीक, और बी इंटू 100 ये निकालना है। सी के वजन का मतलब सी नीचे लिखना पड़ेगा है ना, का वजन कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, या ऐसे लिखिए या इसको यहीं पे कर दीजिए। मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, ये रिलेशन का यूज करते हैं, ये रिलेशन का यूज करते हैं। बी इक्वल टू 8/5 हो जाएगा सी, यही पूछ रहा है। तो 8/5 ये सी है और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दीजिए। तो 20/100, तो 20/100 हो जाएगा 860 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, तांबे के गोले का व्यास इतना है, गोले को पिलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार से खींचा जाता है, यदि तार की लंबाई इतना सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या है। देखिए आपको डायमीटर दे रखा है तांबा उसका, अब उसको मेल्ट कर दिया जाए, उसको वायर बना दिया गया जिसका सर्कुलर सेक्शन ये है, यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन। तो जो वायर होता है उसको सिलेंडर बोला जाता है ना, सिलेंडरिकल शेप में होता है और स्फीयर है ये। तो जब इसका और इसको मेल्ट करके बनाया जाएगा स्फीयर, स्फीयर को जब मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाएगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका वॉल्यूम होता है बेस, बेस क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट। आपको देखिए पहले में डायमीटर दिया है मतलब रेडियस दे चुका है वो है ना, दूसरे में दिया है लेंथ ऑफ वायर इतना लेंथ दे दिया मतलब हाइट दे दिया है, एच मतलब यहाँ पर क्या लाइन लेंथ दे दिया, तो आपको यही आर पूछ रहा है। चलिए बराबर कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर था तो डायमीटर था वो, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब पाई और आर स्क्वायर आपको निकालना है। एच दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रखते हैं, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ऐसे सब सेंटीमीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये कटेगा 3 से 1 3 कटेगा तो बचेगा 9, ठीक 9 चौका 36 होता है तो ये कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया आपका। ठीक, तो आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आता है ना, हमेशा ध्यान रखिए जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, पर यहाँ पे क्या है लेंथ है मतलब फिजिकल लेंथ है, माइनस 1 थोड़े आपका लंबाई माइनस 15 सेंटीमीटर थोड़ी होगी किसी की लंबाई, तो इसका आंसर 1 आएगा ऐसे, वो 1 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, दो वृत्त है स्पर्श कर रहा है तो आंतरिक रूप से स्पर्श करते मतलब समझते हैं, आंतरिक रूप में स्पर्श करने का मतलब है ऐसे कोई एक हो गया और एक ऐसे टच कर रहा होगा, यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। क्षेत्रफल का योग इतना है
और केंद्र के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, मतलब इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ यहाँ है, तो इस तरह से दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की त्रिज्या निकालनी है। पहले वाले से ऑप्शन के अनुसार, मतलब दोनों का बड़े वाले का सेंटर जो होगा ना सर्किल का अंदर में आएगा और इसका यहाँ पे आएगा। मतलब ऐसे कुछ में लिखना चाहिए, इसको स्पष्ट तौर पे लिखना चाहिए, लिखा नहीं अलग बात है। और सेंटर ऐसे से लाई कर रहा है, लिखना चाहिए था इसको। ठीक, तो ऐसा हो गया। ऐसे ही ऑप्शन दूसरा में भी ऐसे है, 4 दूनी 8। तो देखिए ये किस लेकर चलिए, ये सर्किल है, ऊपर सेंटर है, फिर एक यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक, तो इसका मान लेते हैं आर है, और इसका मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, रेडियस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों के बीच का सेंटर, मतलब आर माइनस आर आपको दे रखा है, ये दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस आर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दे रखा है 116 पाई। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल दे रखा है 116 116। ठीक, और आर माइनस आर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। तो इसको स्क्वायर कीजिए, 36 हो जाएगा। आर माइनस आर का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर, और ये कितना है आपका 116। ठीक, तो माइनस 2 आर आर इक्वल टू हो गया 116 माइनस 36। ये हो जाएगा माइनस में आएगा ये, तो आर इंटू आर 2 आर आर नहीं लिखते, 80। ठीक, 80 आ जाएगा। आर माइनस आर आपका 6 है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 1 आर, इसका स्क्वायर कीजिएगा आप, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू आर। ठीक, और ये कितना दिया है, 116। अब माइनस 2 आर आर का वैल्यू आपको 80 आया था। ठीक, तो देख लीजिए आर प्लस आर आ गया आपका 14। तो देख लीजिए आपका बी ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 आ रहा है उसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 8वां क्वेश्चन है, एक तेज ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों ट्रेन की गति कम से कितना है। देखिए फास्ट ट्रेन है, 3 घंटा कम लेती है ना स्लो ट्रेन से, 600 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, कितना है 600 किलोमीटर। और फास्ट ट्रेन का मान लीजिए T1 है, और सेकेंड ट्रेन का टाइम T2 लेता है, तो T1 माइनस T2 आपको दे रखा है 3 घंटा दे रखा है। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इतना है लेस देन द फास्ट ट्रेन, और S1 S2 स्पीड मान लीजिए, तो S1 का फास्ट ट्रेन का स्पीड S1 है और स्लो ट्रेन का स्पीड S2 है, तो दोनों का डिफरेंस है 10 दे रखा है।
देन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। अब देखिए, अब आपको निकालना है स्पीड। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए सभी है। अब एक चीज होता है, दोनों का डिस्टेंस बराबर जा रहा है, तो कहने का मतलब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 होना चाहिए, ठीक यही बोल रहा है। तो मान लीजिए 50 यहाँ पे रख देते, ऑप्शन के अनुसार चलते, क्योंकि इसको सॉल्व की जगह थोड़ा सा लंबा लगे, यहाँ पर उतना है नहीं, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ये चीजें। पहला मान लीजिए 50 और 40, तो 50 इधर रखिए, T1 इक्वल टू T2 40, क्योंकि ये सेट कट जा रहा है, 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 5 T1 इक्वल टू 4 T2, ठीक। और आपको एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर 60 इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हैं 50 इंटू T1, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर, मतलब यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, ऐसे 600 इक्वल टू 40 इंटू T2। तो दोनों की वैल्यू निकाली यहाँ पे फटाफट, ऐसे करके करके ऑप्शन को चेक करना है, तो ऐसे बता देता हूँ मैं सब्जेक्टिव में। तो ये 12 हो जाएगा, T1 12 आ गया, ये T2 15 आ गया, तो T2 15 और 12, 15 माइनस 12, तो 3 आ जा रहा है, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे T2 ही होगा, हाँ यहाँ पे T1 होगा, क्योंकि दूसरे का टाइम ज्यादा है, तो T2 माइनस तो 3 आ गया, तो सेटिस्फाई किया, पर ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, देख लीजिए। T1 की वैल्यू अगर आप 12 रखते हैं तो 12 5 60 हो जा रहा है, और T2 की वैल्यू 15 रखते हैं तो 15 चौका 60 हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड सेटिस्फाई करा, मतलब ये भी सही ऑप्शन है आपका, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आना ही आना है, ठीक। मतलब और भी चीज़ सेट कर सकती है मे भी, पर इसमें ए ऑप्शन आना ही आना है। अब करना क्या है, सब्जेक्टिव तरीके से आपको अगर करना हो तो देखिए, हाँ ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहिए, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब टाइम लगेगा। अब यहाँ पे S1 और S2 का रिलेशन आ गया आपको, तो यहाँ पे वैल्यू S1 का वैल्यू इसके टर्म में, जैसे S1 का वैल्यू क्या हो गया, S2 T2 by T1, इसमें पुट कीजिए, कितने सारे वेरिएबल है, फिर एक है 600 इक्वल टू S1 T1, एक ये रिलेशन भी है ना, ऐसे ही ये सभी बहुत सारे रिलेशन है, सभी को इसमें पुट कीजिएगा, तो एक वेरिएबल में आ जाएगा, T1 के आ जाएगा, उसको वैल्यू निकाल लीजिए तो 40 50 ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन को कहीं से भी आपको सब्जेक्टिव तरीके से एग्जाम में करने का मतलब है नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। नवा क्वेश्चन है, समीकरण ये है, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक। तो अब जो उल्टा करके लिखा है इसको नॉर्मली सीधा ही देखा कीजिए, एग्जाम में और कन्फ्यूजन ना हो। इसको मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ये हो जाएगा बी, और इसको मान लीजिए सी, ऐसे ही ए हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू 8 दिया है, बी प्लस सी इक्वल टू 12 दिया है, और सी प्लस ए दिया है 10, ठीक। और एक्स का मान निकालना है, तो तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 20 हो गया, प्लस 20 10 30 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 15, ठीक। और आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, मतलब ए का मान निकालना है, तो उसे एक्स निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो उसके लिए क्या कीजिए, ये वाला वाई प्लस जे, मतलब बी प्लस सी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 12 है, तो कहने वाला ए प्लस 12 इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 3 आ गया, ठीक। तो ए इक्वल टू 3 आ गया, तो 1 बटा x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 बटा 3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एग्जाम में चीज़ों को सीधा ही देखा गया, बल 1/x भी करके दिख की बात वही है, वो सीधा देखिएगा तो प्रेशर कम आता है।
क्वेश्चन, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए, अब आपको 50% वृद्धि हो जाती है, अमाउंट में होती है ना, अमाउंट में होती है तो इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई पी अमाउंट है, पी अमाउंट आर आपको निकालना है पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट में, और टाइम है 5 साल बटा 100 कीजिए, ठीक। और अमाउंट क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है, तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? 50% इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या 1.5 टाइम्स हो जा रहा है पी, है ना, प्लस पी इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 1/2 पी इक्वल टू इंटरेस्ट क्या है? पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है? 5/100। तो पी से पी कट जाएगा और ये आ जाएगा 20, और 2 से 10 तो क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू आ जाएगा 20/2 10, मतलब रेट आपका 10 पता चल चुका है। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या होता है? पी इंटू पी आपको दिया है दूसरे वाले केस में 12,000, 1 प्लस 10/100 की पावर 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 110, 10 से 10 कट गया, 11/10 की पावर 3 इंटू 12,000, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 11/10 को ये लिख सकते हैं 11, 121, 121 11³/10³ आएगा, तो 11³ होता है 1331। बारह इंटू 10³ से कट जाएगा, 12 × 1331, तो इसको फिर गुना कीजिए, 12 × 3 = 36, 36 × 12 2 × 7 = 6, 3 × 9 = 5, 1, इतना हो जाएगा आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। और माइनस 12,000 करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट पता चले, तो ये आ जाएगा, देखिए 9, 7, 2 एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, और ये 3 आ जाएगा, 3, 9, 7, 2 आ जाएगा, 10 का क्वेश्चन ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही तरीका है, ऐसे निकालिए, प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम लगेगा। 11वां क्वेश्चन है, 37.5% ऑफ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्र आए हैं, छात्रों का 75% तथा छात्राओं के 62.5% सफल हुए, 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्राओं की संख्या थी। देखिए, बॉयज की संख्या बी, गर्ल्स की संख्या जी मान लीजिए, तो 37% ऑफ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन गर्ल्स है, तो मतलब बी प्लस जी टोटल है गर्ल्स, इसका कितना? 37.5%, है ना, 37.5% का मतलब कितना होता है? पचहत्तर बट्टा 200 होता है ना, है ना, 37.5 इक्वल टू गर्ल्स है, ये गर्ल्स के बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तीन तीन पच्चीस पच्चीस, ये 8 घंटे कट जाएगा। तो 3/8b = + 3/8g = g हो जाएगा। तो ऐसे ही 3/8b = g - 3/8g = 5/8g, मतलब 3b = 5g। ये आपको एक रिलेशन आ गया। और 75% ऑफ बॉयज़ और इतना परसेंट ऑफ गर्ल्स पास किए हैं, और 342 गर्ल्स फेल कर गए। और 62% ऑफ गर्ल्स पास किए हैं और 342 गर्ल फेल की, तो कितना परसेंट आपको 62% का क्या मतलब होता है? देखिए, 62% का मतलब होता है 125/200, है ना। इतना लोग पास किए हैं, ठीक, परसेंट पास किए हैं इतना, तो कितना लोग फेल किए होंगे? 75/100 गर्ल्स फेल किए इंटू गर्ल्स इंटू इंटू जी, इतना परसेंट ऑफ गर्ल्स फेल किया 75/200, और ये दिया हुआ 342 के बराबर, ठीक। तो फिर से आ गया 3/8g, ये आ गया 3/5b = g, और 3/8g = क्या आ गया आपको? 342, ठीक। तो जी की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इसमें पूरा हमको क्या निकला, बॉयज का नंबर पहले निकालना पड़ेगा। बॉयज का थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब ये है, थोड़ा ध्यान देके बनाना पड़ेगा। जी आ गया आपका 342, यहाँ से भी काट दीजिए इसको, चौदह तीय 42, तो g = आ जाएगा 114/8 आ जाएगा। ये बॉयज की संख्या आ गई आपको। और बोल रहा है 75% बॉयज फेल हुए हैं, पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 25%, है ना, 25%। अभी आपको यही निकालना है, तो b = यहाँ से क्या आ जाएगा, b = इतना इंटू 5/3, और इसका 25% निकालना है हमको, मतलब 1/4 × 114 × 8 × 5 × 3, तो 4 × 8 ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 9 = 24, ठीक। तो ये 38 है, या 5 × 10 है, तो 380 आ जाएगा। बॉय 380 बॉय लोग फेल किए हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। इतना है कि बीच में दो कौन लोग होंगे, तो देखिए ये स्केल है, ये -2/3 कितना होता है, -0.66, और ये होता है 0.5, और ये क्या है 0.66, तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए हो नहीं, ऑप्शन बी हो नहीं सकता। ये हो गया आपका, दो बटा छ हो गया 0.66, ये तो बाहर ही चला जा रहा तो इसमें तो एक भी नहीं आ रहा, अब देख लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नहीं, इसका आंसर ये आ रहा है।
13वां क्वेश्चन एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी। क्वेश्चन एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता का उम्र लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता का उम्र क्या? पिता का उम्र मान लीजिए 100 बच्चे का उम्र वाई है। तो यही बोल रखा है एक्स इक्वल टू 5 गुना है वाई का, और 15 साल बाद मतलब एक्स प्लस 15 इक्वल टू वाई में भी 15 साल बाद हो जाएगा 2 गुना बचेगी। तो यही बोलना था एक्स माइनस 2y इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करने से ही आ जाएगा। और ये आपको दे रखा 5y, यहाँ पे पुट कीजिए 5y माइनस 2y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 5। ठीक, y आपको 5 आ गया और x की वैल्यू 5 गुना है, तो 5 x 5 टाइम y है और y 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 25। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए की दर से 5 नींबू से की दर से 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या है? तो देखिए हर एक नींबू का निकाल लेते हैं। 2 नींबू है 1 रुपए में, तो 1/2 इसका 1 का कॉस्ट होगा, है ना। ऐसे 3 रुपए में 5 नींबू बेचती है, तो 3/5 इसका 1 का कॉस्ट आ जाएगा। 3 रुपए है टोटल और 5 नींबू, तो 1 नींबू का कॉस्ट आ जाएगा 3/5। तो आपको वही लाभ निकालना है। तो लाभ मतलब कि आपको पहले दे दिया, लाभ मतलब कि ज़्यादा में बेच रहा है, तो ज़्यादा में बेच रहा मतलब 3/5 लिखिए। लाभ इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, ये आपका खरीदा इतना में बेचा इतना में। लाभ निकालना तो डिवाइड करने के बाद 1/2 डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम लीजिए दोनों का, इसका और इसका, 10 हो जाएगा 6 माइनस ये 5 बचेगा इन डिवाइड में, वो 1/2 रहेगा इंटू 100, तो ये बचेगा 2/10 इंटू 100, तो ये 10 बचेगा, तो 20% हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा 20%। 15वां क्वेश्चन, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, 50% इतना हिंदी है इतना है, कुल संख्या इतनी है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? ठीक, तो इसको देखिए इस तरह से समझिए, ये मिला के कितना है 50% है, 50%, ये मिला के कितना 64.2% है, और ये आपको पूछ रहा है ना, मान लीजिए 1% है, 1% ये है, और तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये हो जाएगा आपको 50.8 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये पार्ट हो जाएगा आपका 64.2 माइनस 1%। ठीक, तो ये प्लस ये प्लस ये कितना प्रतिशत आपको दे रखा है, 500 दे रखा है ना, तो ये निकाले 50% ऑफ परसेंट, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, इतने लोग कितना 50.8% है हिंदी वाले, तो इसको सॉल्व कीजिए इनटू 500 कीजिए,
तो ये आपको आ जाएगा टोटल कितने आ जाएंगे, ये 8 × 5 = 40, और 8 × 5 = 40 और 25, तो 254 लोग आएंगे। 254 लोग हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी है 254, ऐसे ही क्या इंग्लिश, इंग्लिश है 64.2%, मतलब 100 टोटल का 500, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 20, 21 और 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 32, 321 लोग इंग्लिश जान रहा है। हिंदी 254, इंग्लिश 321, और आपको यही बताया था मैंने, एक्स मान लीजिए, तो ये कितना हो गया टोटल, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये एक्स है दोनों का कॉमन एरिया, तो ये हो जाएगा आपको 354 - x, ये ऐसे ही कितना हो जाएगा, प्लस 321 - x प्लस, इसको ऐड कीजिए एक्स, ये आपको अभी टोटल कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट टोटल 500 ही है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स और एक एक्स कट जाएगा, तो बचेगा -x, ठीक। तो ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, 254 + 321 आ जाएगा 5 × 7 = 5 - 500 = x, तो x इक्वल टू 75, मतलब 75 लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे होंगे। देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी है जो पहले दूसरे में लग रहा था, सेम चीज लग रहा है यहाँ पे, और ये भी पता होगा x की पावर a की पावर b, तो x इक्वल टू a इंटू बी हो जाता है ना, ये पावर इंटू हो जाता है। तो ऐसे ही बस इसको देखिए, x की पावर ए बी माइनस ए सी, ऐसे x की पावर बी सी माइनस सी ए, ऐसे ही x की पावर सी ए माइनस सी बी, तो ये सभी पावर x बेस सेम है सबका, तो सब पावर ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या हो गया, खाली पावर को देखते हैं, x की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, तो सभी कट जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी, ए सी ए सी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी, एक्स की पावर 0 बचेगा, तो ये कि 1 के बराबर हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, तो देखिए वो स्थिर ऊंचाई पर होता है, मतलब फिक्स हाइट पे होता है, और लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थ से के रेडियस, अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर पर लगभग होता है वो सब, और इसी में आपके कौन सा सैटेलाइट सब होते हैं, इसमें वही टीवी वाले जो सैटेलाइट सब होते हैं इसी में जाते हैं, जीपीएस जो सब होता है उसका सैटेलाइट सब इसी में होता है। 18वां क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो ये वायलेट बैगनिंग करना होता है, जैसे प्रिज्म है इसमें लाइट डालिएगा तो सभी अलग अलग बेंड करेंगे, अलग अलग होंगे, तो नीचे से जो सबसे ज्यादा बेंड करता है ऐसे लिखाता है, भी विज्ञान लिखाता है, बी आई बी जी वाई ओ आर, मतलब आर सबसे ऊपर होगा और भी सबसे नीचे, तो वायलेट बैगनी सबसे ज्यादा करता है, सबसे कम आर करता है, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, तो ऐसे बेंडिंग होती है, विचलित होता है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, थंडर स्टॉर्म जो आता है तो सेफर क्या है, तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार तो कुछ भी चीज सेफर नहीं है, खुली छतरी लेकर रहना एकदम बिल्कुल खराब, मतलब कि खुले में तो रहना ही नहीं है, खुला खुला तो होना ही नहीं है, और छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये भी उतना सही नहीं है, बस सब तीनों में सबसे बेस्ट बी है, और ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई ऑप्शन कोशिश कीजिए, अगर बिल्कुल अगर निगेटिव लग रहा तब छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे भी लिखा रहता है खुले में बैठे रहे, ये ऑप्शन में मान लिया लिखा खुले में बैठे, तब तो इसका आंसर हो जाता ई,
है ना, ई आंसर लेते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ ये थोड़ा सा माना जा सकता है कि कम से कम कुछ तो किसी के तो अंदर में छुपे हुए हैं। ऐसे सबसे बेस्ट होता है आप रडबर्ड के जो मेटल उटल है उसके अंदर में छुपे रहें, ताकि क्योंकि जब उस पे अर्थ जब उस पे बिजली चमकेगी वो आएगा तो अर्थ हो जाएगा, अर्थिंग मिल जाएगी उसके, जिसके कारण आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो। 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? वो रिमेन कांस्टेंट होता है, स्थिर रहती है वो। फ्री फॉल में ऊर्जा ना कांस्टेंट होती है, और जो फ्री फॉल में कितना से गिरता है एक्सलेशन उसका होता है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड उसको। फ्री फॉल का मतलब यही होता है, फ्री फॉल का मतलब यही होता है एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के कांस्टेंट है। नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को हम लोग डोनेट करते हैं ना, मतलब आई कोई डोनेट कर रहा है मतलब वो कॉर्निया को डोनेट कर रहा है। 22वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन है, इसमें कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट एक होता है कोबालामीन। थायमिन B1 है, B1 को थायमिन बोला जाता है और नियासिन B3 को बोला जाता है और कोबालामीन B12 को, तो ये भी याद कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो एसिड बेस के लिए हम लोग हल्दी टर्मेरिक को यूज करते हैं, इससे हम पता चल जाएगा। विनेगर या सिरका, इसको सिरका या विनेगर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसेटिक एसिड बोलते हैं इसको, सिरका विनेगर एसेटिक एसिड सब सेम है, एक ही चीज़ के तरह तरह के नाम है। और ऐसे बेकिंग सोडा है, खाने पकाने में यूज होता है, NaCO3 फुलाने में यूज होता है, जैसे यही बेकिंग सोडा इसी ने नाम रखा। कोई खस्ता चीज़ बनाने में यूज होता है, NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडे का। 24वां क्वेश्चन है, जब मृदा और उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? जब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए है ना, तो उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। एसिडी होने से जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम। और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि खाद वाद ये सब, मैन्यूर मिलाइए, खाद वाद मिलाइए इसमें। 25वां क्वेश्चन है, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य मतलब कितना समझ गया, 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य का मतलब केल्विन होता है, स्टैंडर्ड जो होता है ना, मतलब टेम्परेचर का जो मानक होता है उसको केल्विन बोलते हैं, केल्विन, ठीक, केल्विन बोला जाता है। तो 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री ही लिखते हैं एक तरह से केल्विन, उसका मानक होता है -400 इतना फ़ारेनहाइट में, ये याद रख लीजिए। और ऐसे सेल्सियस पे पूछ लिया तो -273 होता है, सेल्सियस में पूछ लिया तो -273, और फ़ारेनहाइट में पूछ लीजिए तो -459.4 फ़ारेनहाइट, याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 25वां 26वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ऐसे होता है और इधर प्रोपोगेट करता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर में वेव जाएगा आपका, मतलब वेव जाएगा इधर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इधर होगा, इस डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर होगा, सब चीज़ एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए वेव वेव मतलब तरंग जा किधर रहा है, इस साइड में, ये परपेंडिकुलर है इससे, ये परपेंडिकुलर है इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो इसी को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसमें ये बोलना था, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे करंट के फ्लो होने से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेट होता है ना चुंबक, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। और अनुप्रस्थ मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव,
इसमें क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है, आप देख रहे थे पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो और ब्याग इधर रहा था, इधर जा रहा था, मतलब एनर्जी फ्लो इधर हो रहा था, है ना। इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वाकई में आपको क्या बोलिएगा, आप जिधर जाइएगा अंत में रिजल्ट है, आप जिधर जाइए उधर ही बोलेंगे ना हमने फोर्स असली में लगाया। पर ऐसा थोड़ी होता है उधर ही फोर्स लगता है, हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, उसका कंपोनेंट आपको हेल्प करता है उस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। तो उतना दिमाग मत लगाइए, बस यहाँ पे समझिए इसका मतलब समझिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है इस अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है। तो बोलेगा एनर्जी फ्लो या जो वेव मूव करता है, तरंग जो चलता है आगे चलता है, पर इसका जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स जो इसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे, पार्टिकल इसके अंदर जो पार्टिकल हो गए वो एक परपेंडिकुलर जो होते हैं ऐसे ही से करेंगे। अब बोलेगा पर ये समझने में आपको दिक्कत लगेगा कि पार्टिकल ऊपर चलना है इसके अंदर का, है ना, एटम्स ये सब, और वो जा रहा है आगे, बड़ा अजीब चीज़ है ना। बस यही है, ये अजीब है समझ लीजिए बस। पार्टिकल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में, यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक हो जाता है, और किसी नॉर्मल चीज़ में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर में जा रहे हैं, पर वो चीज आगे नेट जो वो आगे जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ई डी हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि दो ऑप्शन इसका सही है। 27वां क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच कितना होगा। तो मतलब एसिडिक वो ज्यादा है, तो आपको पता ही है 0 से 7 तक एसिडिक होता है और 7 से 14 तक बेसिक होता है, क्षारक होता है और इधर अम्ल होता है। तो 7 से कम आ जाएगा क्योंकि आपका एसिडिक ज्यादा उसके अंदर में है, तो 7 से कम आ जाएगा, इधर पीएच आएगा। 28वां क्वेश्चन, 1 गीगाहर्ट्ज में के बराबर कितना होता है। तो देखिए केबी होता है, 1024 केबी को 1 MB बोलते हैं, और 1024 MB को 1 GB बोलते हैं, और 1024 GB को बोलते हैं 1 TB, टीबी ठीक ना, याद है कि टेराबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, गीगाबाइट दे रखा है, तो जैसे सभी का याद रखें। ये हो गया 1 MB, ये हो गया यही 1 GB, और ये 1 GB हो गया 1 TB, टेराबाइट। 29वां क्वेश्चन है, सोडियम डाई हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं ना, एससीएल। मतलब ये रिएक्शन यही बोलना, NaOH प्लस HCl, आपको मिला क्या, NaCl मिलता है प्लस H2O मिलता है ना। इसको बैलेंस कर दीजिए 2 × 2 जो भी है, बैलेंस करने के शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा, यह ऐसे रिएक्शन बैलेंस ही है। तो इसमें ये इसको क्या बोला, देखिए एसिड बेस, ये बेस था, ये एसिड था, और ये न्यूट्रल बन गया सब, वाटर में न्यूट्रल होता है, इसमें कुछ नहीं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, NaCl न्यूट्रल है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण बोलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो आपका ग्लूकोज होगा इसका आंसर। 31वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है। तो पिच्यूटरी ग्लैंड है ना, उसका काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या है ना, बॉस की तरह काम करता है, मतलब दूसरे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो ग्लैंड है इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो वो प्रोड्यूस करेगा चीजें, इंजाइम नॉन प्रोड्यूस हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड देख लीजिएगा, नॉर्मली हार्मोन शायद ये करता है, वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है ना, जो भी प्रोड्यूस करता है ये बना के, तो उस तरह के जो ग्लैंड हो गए ना उसको ये रेगुलेट करता है, उसको मतलब फंक्शन में हेल्प करता है कि भाई अब उसको तो अपना सामान ब्लड में डाल, अभी रुक जा, अभी धीरे थोड़ा सा डाल, अभी कम डाल, ये जो रेगुलेशन है इसको रेगुलेशन बोलते हैं, ये पीयूष ग्रंथि करता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना ये सही बात है, ये भी करता है, सभी अंगों में वृद्धि की प्रोत्साहित करना ये भी सही है, टू रेगुलेट शरीर में चीनी नमक, ये पेनक्रियास का काम, पेनक्रियास में जो इंसुलिन होता है ना, यही इंसुलिन गड़बड़ होने से आदमी को डायबिटीज हो जाता है, तो ये इंसुलिन होता है जो कि पेनक्रियास से आता है वो करता है। तो मतलब इसका आंसर सी नहीं होगा, तो ऐसे ऑप्शन से इसका डी हो जाएगा, और जिसमें से एक और दो गलत सही है। देखिए पूरे डिटेल में आंसर है, तो देखते रहिए आगे।
बत्तीसवां क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट जो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को? तो देखिए, जो सेरिबेलम होता है ना, वो पॉन्स मुंडला, ये तीन जो है ना, ये करेगा आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। और सेरिबेलम को और कहा क्या, पोस्चर बनाने, मतलब आप जो खड़े हैं ना सीधे, वो कौन पार्ट, वो आपको खड़े रहने में कौन हेल्प कर रहा है, यही सेरिबेलम आपको हेल्प कर रहा है, वही सीधे खड़े रहने में, हाथ खड़ा करने में, हाथ बैलेंस बनाने में, है ना, वही सेरिबेलम करता है आपको हेल्प। और लिटिल ब्रेन होता है, लिटिल ब्रेन इसी को बोला जाता है सेरिब। और सबसे बड़ा जो पार्ट है ना जो हमारे ब्रेन का, उसको सेरिब्रम बोला जाता है। तैतीसवां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो वो है आपका ब्रिटेन, इसका आंसर बी है। और चौंतीसवां क्वेश्चन, भारत का नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 है, जिसमें 888 लोकसभा की सीटें होगी, मतलब निम्न सदन लोअर हाउस, और 384 राज्यसभा की सीटें मतलब अपर हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टोटल मिला के 888 प्लस 324 आ जाता है 1272। 35वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो उसका नाम है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 36वां क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो अमित क्षत्रिय है, उन्हें नियुक्त किया गया है। सैतीसवां क्वेश्चन, बिहार मद निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? 10% है, बहुत ही कम आएगा एक तरह से, यह बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो 10% देना होगा। 38वां क्वेश्चन है, एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये आपका चाइना है, यही सब कर सकता है। और अब ये जाने, एयरबस कहाँ की कंपनी, ये यूरोप की कंट्री है, ब्रिटेन व्रिटेन ये सब समझिए, एक तरह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी मतलब देश और कंपनियाँ एक साथ आई और एयरबस का निर्माण करना शुरू की थी। और बोइंग जो है ये अमेरिका का, यूएसए का कंपनी है। 39वां क्वेश्चन है, कीर्ति राशि किस सेल से संबंधित है? तो कीर्ति राशि वेट लिफ्टिंग मतलब भारतोलन से संबंधित है। 40वां क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो आपका सिवान है, सिवान को एक नंबर स्थान मिला है। 41वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रिट जारी करता है, रिट जारी करता है, मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम छेड़छाड़ हो तो रिट जारी करेगा। टोटल 5 रिट होते हैं। बयालीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नहा नदी पर स्थित है? तो देखिए, आपका हीराकुंड है, दुधवा है, घुमारपदर बांध, ये तीनों है आपका महानदी पर। महानदी कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी, नदी महानदी का नाम ही है महानदी, ये नदी है, ये नदी का नाम है। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, और इसका निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। हीराकुंड बांध कहाँ थे? उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और दुधवा धुमा पादर ये छत्तीसगढ़ में है। और इसको बोला जाता है बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, मतलब कि मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा ये लेक है ना, झील, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा झील है यह भारत का, और ये दोनों आपको छत्तीसगढ़ में। तो ये इम्पोर्टेंट था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी इसके आंसर हैं।
43वां क्वेश्चन, अल अक्सा मस्जिद हाल ही में खबरों में रहा किस शहर में? ये तो जेरूसलम में, जिस पे क्लेम किसका है कि बोलता है ये मेरा है, मेरे देश का है, इसराइल बोलता है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो ये सभी देश, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, ये सभी देश नाटो के सदस्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इस अभी टोटल अभी कितने देश थे? 30 थे। अभी रिसेंटली 4-5-6 महीना पहले 31वां देश नाटो का मेंबर बना, जिसका नाम है फिनलैंड। और इसकी राजधानी, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के यहाँ ब्रुसेल्स में है। और ये कहाँ है मैं भी भूल गया, ब्रुसेल्स में है, बस इतना याद रखें। 45वां क्वेश्चन, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? ये G20 से संबंधित है, इसका थीम है ये। G20 इस बार 2023 का G20 कहाँ हुआ है देख लेते हैं। इस बार का G20 हुआ है भारत में, पता ही होगा, पिछली बार हुआ था इंडोनेशिया में, और अगली बार होगा ब्राजील में। और अगले साल ब्राजील में इस ये भी होने वाला था ब्रिक्स का सम्मेलन, पर इसने मना कर दिया है। तो ब्रिक्स का सम्मेलन इसने मना कर दिया है ब्राजील ने, पर वो G20 का सम्मेलन वहाँ होगा। और ब्राजील ने मना कर दिया ब्रिक्स का सम्मेलन, तो फिर कहाँ होगा? रशिया में होगा। रशिया में क्यों होगा देख सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का जो से जो है जो ऑर्गेनाइज करता है वो देखिए इस ऑर्डर में चलता है, BRICS। तो ब्राजील ने पहले इस अभी हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहाँ अभी प्रधानमंत्री इसी साल 2020 में 2023 में गए थे साउथ अफ्रीका। उसके बाद गया बी, ब्राजील में होना था पर नहीं हुआ, तो रशिया में होगा इस बार, अगले साल मतलब रशिया में। 46वां क्वेश्चन है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चार देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति 2004 में हुई थी, 2007 के आसपास मान सकते हैं, 2004 भी मान सकते हैं, क्योंकि उस समय ये चारों देश ये सभी आए थे। किस समय? उसे बहुत बड़ा भूकंप आया था इंडिया के आसपास और जापान साइड में, तो उस आपदा आई थी, तो उस समय ये सभी लोग एक साथ आए थे 2004 के आसपास ही, तो 2004 मान सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसका चार देशों के बीच समुद्री असहयोग का संबंध, ये बिल्कुल चाइना को एकदम घेर के रखना है, ये इसका मोटो है, कॉमन मोटो है सबका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसमें सभी ऑप्शन सही है, डी, ABC तीनों सही है। 47वां क्वेश्चन है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो वो तक्षशिला में थे, तक्षशिला। अड़तालीसवां क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका सही है कि वो जमींदार से रिलेटेड था ना, ये जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और फ्रिजिड जोन में कौन से आते हैं? देखिए तो पहले ये हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ये आपका अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ये है 66.5 टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ऊपर वाले को, और इधर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं 23 डिग्री, और ये है आर्कटिक, ये है 66.5 आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, और ये है 66.5, ठीक, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ये रीजन को बोला जाता है, ये रीजन को फ्रिजिड जोन बोला जाता है ना। शीत कटिबंध जो है ना, ये रीजन को बोला जाता है, ये रीजन को, और इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट ये रीजन, और ये रीजन को टेम्परेट बोला, मतलब 23.5 और 66.5 के बीच का जो रीजन है ऊपर और नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ये सभी आपको टेम्परेट जोन, और बीच वाले जो पड़ते हैं वो उसको बोला TORRID, टोरी जोन बोला जाता है। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ये शीत का निबंध क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल सही है, ये 62.5 डिग्री, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका टोरी शीत का निबंध, और ये 23-66 नहीं है, इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। और दक्षिणी बिल्कुल सही है, ये आपका अंटार्कटिक सर्किल बोला जाता है, नीचे में अंटार्कटिक है ऊपर में आर्कटिक है, अंटार्कटिक और साउथ पोल के बीच में अंटार्कटिक सर्किल बोलिए या 60 डिग्री साउथ बोलिए, दोनों बात बराबर है ना, तो इसका आंसर सी भी हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी मतलब ये वाले क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा, ये सही है और सी ये सही है, तो आंसर डी। 50वां क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका सतलज और काली, तो ये आ गया आपका कुमायू रिवर, इसको बोलते हैं असम हिमालय होता है, तिस्ता और डारेंग दिरांग रिवर के बीच में है, दिया उसके बीच को असम हिमालय बोलते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली छोड़ देना चाहिए, या भगवान भरोसे टिक मारे, ये सब क्वेश्चन कौन पढ़ता है, नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ता, जो पढ़ता है उसका नहीं होता, जैसे इससे आंसर यही है, पर आपको मेन याद रही यही सब पढ़ना पड़ते हैं लोग इस आंसर से रिलेटेड जरूर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का दो सबसे बड़ा राज्य, गलत है ये, चौथा सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, ये 4 याद होना चाहिए, और बिहार आता है 12वें नंबर पे राज्यों की संख्या में, अगर बिहार को लेंगे तो 12वें नंबर पे, अगर यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ दिया जाए मतलब सबका लिस्ट निकाला जाए सबको मिला मान के, तो बिहार 13वें नंबर पे आ जाता है, क्योंकि लद्दाख आ जाता है ऊपर में बिहार से, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र बहुत बड़ा है, पर फर्क ये कि यूनियन टेरिटरी, वो कोई राज्य नहीं बचा, तो अगर लद्दाख को भी ले लीजिएगा वो सब मतलब यूनियन टेरिटरी को भी ले लीजिएगा तो बिहार आ जाएगा 13वें नंबर पर नॉर्मल लिस्ट में, जब राज्यों की सूची बस केवल राज्यों की सूची बनेगी तो उसमें बिहार का स्थान 12वां है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% नहीं है, 2.4% है, और बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, वो है 2.8%, बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिशत है, इससे कई गुना ज्यादा प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.8% है, याद रखिए। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही है, कि उत्तर प्रदेश चौथा है और ये हो गया 2.4%। 52वां क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, या इंटरनेशनल यही बोला जाता है 1/3% होना चाहिए वन क्षेत्र। भारत में बिहार में भी कितना प्रतिशत वन क्षेत्र, लगभग 17% वन क्षेत्र है, झारखंड जब बना था उससे मात्र 10% के आसपास था, अब बढ़ते बढ़ते 17%, अभी के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 17% है बिहार का वन क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का। अब 53वां पूछ रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है, तो यह स्थानांतरी जिसको झूमिंग बोला जा रहा है, ये नागालैंड में बोला जाता है मेनली, नागालैंड बेबर, या मध्य प्रदेश में बोला जाता है, मध्य प्रदेश में दहिया बेवर, मध्य प्रदेश में बोला जाता है, पोडू बोला जाता है आपको, पोडू बोलिए या पेंडा बोलिए नाम से, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तो इसका आंसर सभी सही है, ये सभी बोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है दीपा, दीपा
छत्तीसगढ़ में दीपा, दीपा बोला जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, उसको मलोका बोलते हैं। पचपनवा क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका मतलब होता है साउथ का जो इंडिया है आज का ना, उसी को बोला जाता है, ये दक्षिणा पथ बोला जाता है, पहले बोला जाता था। तो आप एक तरह से ले सकते हैं विंध्याचल से लेकर नीचे तक कुछ भी आ जाए वो समझिए साउथ को बोला जाता है। तो जैसे विंध्याचल पर्वत है कृष्णा नदी के मध्य, ये भी सही है। ऐसे है नॉर्मल है विंध्याचल से लेकर तुंगभद्रा नदी तक, नॉर्मल डिफिनीशन, बेस्ट डिफिनीशन है। तुंगभद्रा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर तुंगभद्रा नदी तक के क्षेत्र को दक्षिणापथ बोला जाता था, तो ये भी सही है। कावेरी नदी, ये भी सही है, सतपुड़ा नहीं आएगा, विंध्याचल आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे सतपुड़ा भी आ सकता है क्योंकि नीलगिरी पर नहीं आ जाएगा, तो नीलगिरी भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि विंध्याचल आता है फिर सतपुड़ा आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो इसका आ जाएगा दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो ये आपका जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर तटीय है, जैसे वहां से ये स्टार्ट होता है, जैसे ये भारत है हमारा, भारत मग लीजिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर तटीय है, इधर से हवा ठंडे में आती है, पानी लेकर आती है इधर से, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश होता है, हमारे यहाँ बिहार में और या भारत में बहुत कम होता है इसके कारण, तो इस कारण से राजस्थान में सूखा ही ज्यादा, मतलब आज तक भी बालू है, बहुत ज्यादा पानी वहां पे आज भी नहीं आया। तो यही है, यहाँ से आता है जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वर्षा होती है पर भारत में कम होती है, तो इसका आंसर सी है आंसर। अड़तालीसवां क्वेश्चन है, जी टी द्वार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट को एम बोला जाता है, एम जलवायु क्षेत्र। उनसठवां क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए आमन है, साली है, अगहनी है, ये सभी आपका चावल का फसल है, कब? शीतकाल में, नॉर्दर्न इंडिया में जो हो रहा है। नॉर्मली चावल कब उगाया जाता है? ठंडे में, गर्मी में उगाया जाता है ना। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र से स्थित है, ये तो सही है। इसके दो से अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल सही है। यह प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती थी, ये भी सही, तो इसको नॉट बोलना था, तो इसका तो आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इसमें से सही है, सभी सही है। छियालीस 61वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? ये क्वेश्चन पूछा है गलत तरीके से, एनी बेसेंट है इसका आंसर। कौन से लोग थे इनमें से, कौन एनी बेसेंट है न्यू इंडिया से संबंधित, और यंग इंडिया से संबंधित लाला लाजपत थे, न्यू इंडिया एनी बेसेंट,
एनिमेशन कंपनी थी 1917 में ही बनी थी। आपका प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस सेशन का, पहली बार 1917 में बनी थी। 1925 में मतलब पहली महिला बनी थी जो जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी थी, और 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, पहली भारतीय नारी। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त है स्वदेश बांधव समिति का गठन करने वाले। 63वां क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो देखिए ये सभी थे, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, ये सभी थे। इनके अलावा और थे ब्रज किशोर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम में आपका देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, मजहरुल हक और एनजी रंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट राज इसमें, सॉरी एक गलत बता दिया मैंने, नरहरि पारिख महादेव देसाई थे, ये आंसर है, तो इसका आंसर डी है, अब्दुल बारी नहीं थे ऐसे उस समय, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक, एनजी रंगा। एनजी रंगा वो आदमी थे जब असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ तो इसका विरोध किया था इन्होंने, एनजी रंगा ने, पर वो चंपारण के समय थे इनके साथ। 64वां क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निलिखनों ने पटना एवं उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वो तिथि थी 11 अगस्त, जब हमारे सेक्रेटरियट जो पटना में था उस पे झंडा फहराने के दौरान 7 स्टूडेंट की, 7 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी, वो 11 अगस्त था, वो काला दिन 11 अगस्त था। और उस समय डीएम जो जिला पदाधिकारी था पटना का, आर्चर था, आर्चर या आर्चरी जो गेम होता है ना तीरंदाजी, वही वही आर्चर, WG आर्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि डेट था 11 अगस्त। 65वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। स ज नंद, NND। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण था? तो वो था आपका वहावी आंदोलन, जो कि पटना के क्षेत्र में बहुत ही फेमस था, पटना के क्षेत्र में बहुत ही इसने काम किया था। फ्रेजी आंदोलन हाजी सरीतुल्ला के द्वारा शुरू किया था, हाजी सरीतुल्ला, स री आ तुल्ला, हाजी हाजी साहब थे। सरिया, सरिया याद कीजिए, सरिया, सरिया से मारते हैं ना, तो वो सरिया तुल्ला फराजी, फराजी से रिलेटेड थे। और कहाँ था ये? बंगाल के क्षेत्र में था, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट हो जाता था कि उस समय बंगाल बिहार सब एक ही था। पागलपंथी, पागल पंथ मतलब बहुत सारे होते हैं ना सिख पंथ में, बहुत सारे ऐसे, एक पागल पंथ है ना, ये पंथी, पागल पंथी सुन के लगा ये मूवी भी उस टाइप का लगा, वो नहीं है, ये पागल पंथ थे, करम शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था और बंगाल में हुआ था, पर बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ था जो कि आज के आज बांग्लादेश में है। ये भी बंगाल में हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था, याद रखिए। और इसका मेन सेंटर था बिहार, पटना। 67वां क्वेश्चन है, कौन सी कंस्पिरेसी में किस संयंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो वो था आपका मेरठ, 3 अंग्रेजों को कारागार, बहुत ही फेमस था ये संयंत्र की, अंग्रेजों लोगों को भी कारागार में डाल दिया गया। पूना पैक का उद्देश्य क्या था?
दलित वर्ग से रिलेटेड था का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बना, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करना, बढ़ाना डिप्रेस क्लास लोगों का, दलित लोगों का। ये कब साइन किया गया था? 24 सितंबर, याद, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 को साइन किया गया था। किसके किसके बीच में? तो एक तरफ इसी से रिलेटेड आप के मोहम्मद महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए थे, काफी मरने वाली स्थिति हो गई थी, तब जाके अंबेडकर साहब ने पुनः पैक किया था महात्मा गांधी से। पर महात्मा गांधी ने कुछ खुद साइन नहीं किए थे, उनको साइन किए थे महामाया मदन मोहन मालवीय, ये वही है जिन्होंने BHU बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में। और मदन मोहन मालवीय, और एक दूसरे साइड में कौन थे जो साइन किए थे इस पे? अब भीमराव अंबेडकर, वो तो रहेंगे ही अंबेडकर साहब। और इसमें टोटल सीट कितना दे दिया गया था? 148 सीट दे दिया गया था। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है कि कितना सीट दे दिया गया था? 148, मतलब जितना अंग्रेजों ने दिया था उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने दे दिया था। और मदन मोहन मालवीय थे इस पर साइन करने वाले, एक साइड में अंबेडकर साहब होंगे, तो ये तो पता ही होना चाहिए। और दलित वर्ग से रिलेटेड था और साइन किया गया था 24 सितंबर को 1932, दिन और साल दोनों इंपॉर्टेंट है। 69वां क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। सत्तरवां क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो ये है कली किंकर दत्त थे। 71वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो 1939 में त्रिपुरी हुआ था अधिवेशन, ये कहाँ पे है? ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो 1939 में हुआ था ये, जिसमें सुभाष चंद्र बोस 1938 में, जो कि आपका हरिपुर में हुआ था, हरिपुरा में, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। 1939 में भी वो बन गए फिर से, मतलब सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने, 1938 1939 में बन गए फिर से। तो त्रिपुरा में उन्होंने किसको हटाया था? पट्टाभि सीतारमैया को हटाया था। ये थे महात्मा गांधी के चहेते। भारत की आजादी के बाद ये सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, यही थे, ये भी याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के जो जिन महात्मा गांधी के महात्मा गांधी हमेशा सुभाष चंद्र बोस का, उनकी तरीके का विरोध करते थे, उनके एम का तो नहीं, उनके तरीके का, क्योंकि वो थोड़े हिंसक, थोड़े हिंसक नहीं मतलब अग्रेसिव टाइप के आदमी थे एकदम, मतलब जोश में रहने सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी एकदम नम तरीके से अहिंसा के से जीतना चाहते थे, मतलब अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, तो विरोध करते थे महात्मा सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी उनके तरीके का। तो पट्टाभि सीतारमैया महात्मा गांधी के चहेते थे और इनको हरा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, इससे महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए थे। ये देखकर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही इसी सेशन में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। भी पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939 में बना। किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, ये पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से, कांग्रेस से रिजाइन कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी काफी दुखी हुए थे अपने चहेते की हार से। तो वो थे पट्टाभि सीतारमैया। तो इस वाले पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पे है? यह है आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे 1939 में। हराया किसको? पट्टाभि सीतारमैया को। ये किसके नेता थे? महात्मा गांधी के नेता थे। तो पट्टाभि सीतारमैया तो उस तो 1939 में जब हार गए और महात्मा गांधी दुखी हो गए, तो ये इन्होंने छोड़ दिया पद को, कांग्रेस का रिजाइन मार दिया। तो रिजाइन मार के क्या बनाया इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो तब ये तो रिजाइन मार दिया उसमें, तो फिर प्रेसिडेंट कौन बना? तो प्रेसिडेंट बने थे हमारे राष्ट्रपति साहब राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता। 72वां क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो मूक नायक लिखे थे, सही बात है। बहिष्कृत हितकरणी सभा भी लिखे थे, ये भी सही है, स्थापना की थी 1956 में, देहांत हो गया, ये भी सही है। तो ये सभी सही है, तो इसका आंसर है डी।
हमें लिस्ट बनाना है, इसमें मैपिंग करना है। नील के पौधे लगाने वालों का तृतीय तो चंपारण में हुआ था 1917 में। खेतिहर सत्याग्रह हुआ था आपका खेड़ा में, खेड़ा में कपास मिल मजदूर, ये मिल जो मजदूर है ना, ये सब समझ लीजिए सब अहमदाबाद में, और कॉटन से लेटर सब अहमदाबाद चला गया। और अहमदाबाद वही जगह है जहां पर पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर गए थे। क्वेश्चन पूछेगा पहली बार हंगर, बल्कि 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में ये पूछा भी है कि पहली बार हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे गांधी जी कहाँ गए थे, तो अहमदाबाद में गए थे, अहमदाबाद के आंदोलन में गए थे। तो पहले का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, बी का तीन हो गया, सी का एक हो गया, तो डी का चार ही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था उसको बंद कर दिया था चौरी चौरा में, क्या हुआ गोरखपुर में है, यहाँ पर पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया आम आदमियों ने। तो 2, 3, 1, 4 इसका आंसर है। तो 74वां क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, क्योंकि यह है इसका विचाराभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं थे, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है, 19, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, उसके में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस है। प्रेस एक आपका एक्सप्रेशन को बताने का तरीका है। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों के नाम ये आपको बताना है। तो खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, तो कमी कहाँ पे, देखिए झारखंड में तभी आज गरीब है, पर इसके पास इतना मिनरल के, इतना मिनरल की पूछिए मत, खनिज संसाधन तो बहुत ज्यादा है पर इसका मिनरल ही नहीं है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। दूसरा है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आचारभूत संरक्षण के विकास की कमी, तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है तो पानी तो बहुत ज्यादा है पर इसमें स्ट्रक्चर रोड रेल ये सब कुछ नहीं है, तो कमी है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका। सौर वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन के, राजस्थान पता ही आपको सूखा है वहां पे, तो इसका आंसर तीन हो जाएगा। और एक और ये बात याद कर लीजिए, सौर ऊर्जा में एक नंबर जो हमारा भारत में राज्य है वो तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी तमिलनाडु में प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों तो लद्दाख है, तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 ही है, तो बी हो जाएगा। छिहत्तरवा क्वेश्चन है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है हिमालयन यू। 77वां क्वेश्चन है, समुद्र पातित भारतीय नागरिकता OIC है ना, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। तो इसके अनुसार यही बोला जाता है कि जो भी इंडिया का आदमी सिटीजन कहा जाएगा, मतलब ये OIC कार्ड किसको मिलता है, मतलब सिटीजन कहा जाएगा, ऐसा नहीं है, OIC कार्ड मिलता है जो फॉरेन में लोग रहते हैं भारत के लोग उनको मिला जाता है, OIC कार्ड दिया जाता है जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद बिहार के सिटीजन रह चुके हैं उन सभी को OIC कार्ड मिल सकता है, है ना। तो 26 जनवरी 1950 क्यों, क्योंकि इसी दिन हम गणतंत्र हुए थे, 1950 में हम गणतंत्र हुए थे ना, हमने संविधान को अपनाया था। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण के रूप में जाना जाता है, तो ये सभी इसके आंसर, इसका आंसर ये है। 2004 निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ, तो 2004 में किया गया था पंचायती राज मंत्रालय, तो पंचायती राज को संवैधानिक
मान्यता कब मिली थी? 1973 में मिली थी, 1993 में मिली थी। और बिहार में पंचायती राज एक्ट मतलब बना कब बनाया गया था? 2006 में। और 2006 से ही बिहार में, उस समय एक तरह से समझिए हाईएस्ट ही था, महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में पंचायत के इलेक्शन में पदों पर 50% था, उसी समय से था, 2006 से ही। 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कार्ल मार्क्स कहते। इक्यासीवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो यह है जीन जैक्स रूसो। बेरासीवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये सभी देखिए, नर्मदा बचाओ ये भी था, टिहरी बांध ये भी है, चिपको आंदोलन ये नहीं है, ये चिपको आंदोलन पेड़ से रिलेटेड है, तो ये दोनों आ जाएगा आपका। यहाँ पे वाटर नहीं है, बस परियोजना दिया है, बहुउद्देश्य, तो ये भी आ जाएगा इसमें। चिपको आंदोलन, बहुगुणा हेड थे जिन्होंने ये आंदोलन किया था। 83वें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब आपको टोटल मिला के कितने फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 है ना। देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, ये सही बात है, देश की एकता और अखंडता, ऐसा नहीं कि आप देश को तोड़ने वाले कुछ काम करें। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही है, नहीं कि कचरा कहीं भी फेंक दे, ये सब सुरक्षित रखना आपका काम है। बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ना, ये भी आपका काम है। जैसे सरकार क्या देती है, स्कूल देती है, राइट टू एजुकेशन के तहत आता है स्कूल, ये सब देना है ना, तो आपका काम यह है उस बच्चे को उठाकर उस स्कूल तक पहुंचाना और पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, ये काम है, मतलब पेरेंट्स का ये काम दायित्व बनता है। तो ये सभी आंसर सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 84वें क्वेश्चन है, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर भीम रामा जी अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। 85वां क्वेश्चन है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिला गया था? 1801 में मिला गया था। तो आयरलैंड से ना हमने एक चीज लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है हमने अपने संविधान में, याद रखिएगा। आयरलैंड से हमने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है डीपीएसपी कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से लिया, तो इसी आयरलैंड को अभी यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया है। जो यूनाइटेड किंगडम के अभी आज में कौन कौन से देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, पूरा आयरलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड। 86वां क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था 2000 के आसपास। 27वां क्वेश्चन, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हमारा भारत की आजादी के साथ साथ ये भी स्वतंत्र हो गया था 1948 में। 88वां क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये वृद्ध लोग और गरीब लोगों के लिए, 65 वर्ष से अधिक के जो हो चुके हैं। नवासीवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिस्थितिक तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वो थे ओडम। SO2 प्रदूषण सूचित करता है लाइकेन को, लाइकोन के हेल्प से हम SO2 के प्रदूषण को जान सकते हैं। लाइकेन क्या होता है? अलगी, एल और फंगाई का मिक्सचर होता है ये, मतलब इस दोनों के साथ में रहते हैं तो लाइकेन बनता है।
91 क्वेश्चन है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी मतलब सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित कहाँ पे? गोवा में है। तो कभी ऑप्शन में नहीं तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और आपका सलीम अली नेशनल पार्क है, सलीम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो याद रखें, पक्षी अभयारण्य पूछेगा ना तो गोवा में, और सलीम सीधा पूछेगा सलीम अली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आपका है ऊपर जम्मू कश्मीर में। 92 क्वेश्चन है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ में है? तो स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर IUCN का, ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। 83वां क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितने ऊर्जा अवशोषित हो रहे? 10% लेंडमाइन का सिद्धांत बोला जाता है इसको, लेंडमाइन का मतलब पहले जैसे पेड़ को खाया किसने? बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? इंसान मान लीजिए खाए, तो इससे 10% हम उसका विटामिन प्रोटीन सब ले पाएंगे, अधिकतर उसको फेंक देंगे, सड़ा देंगे। यही बोलता है ये 10% का सिद्धांत। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए मतलब श्वसन मूल क्या होता है, निमाटोफोर्स, जो कि पानी मतलब नमकीन मतलब जो वेटलैंड होते हैं, सेलाइन मड, ये सब जगह ये पाए जाते हैं। तो इसमें इसमें कौन सा आपको देख सकते हैं? ये तो आपका सूखे जगह होता है मरुद्वीप, जिसको जेरोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये आपका सूखा में आता है, ये आपका आ जाएगा इसमें आंसर, और ये आ जाएगा, तो इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा, ये सूखा में आता है। हाइड्रोफाइट में पानी का आपको पता चल रहा है, तो ये पानी से रिलेटेड है, मतलब पानी जहाँ होगा आप समझिए वो यहाँ हो सकता है, पानी अधिक मात्रा में नमकीन मात्रा में होना चाहिए, मतलब समुद्री पानी टाइप का होना चाहिए। तो हाइड्रोफाइट भी आंसर है, हेलोफाइट भी आंसर है, मतलब हेलोफाइट एकदम ये होता है कि जो जो नमकीन एकदम पानी पे जो प्लांट ग्रो करते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं, उसको हेलोफाइट बोलते हैं, याद रखिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 94 का आंसर डी हो जाएगा। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो जो भी आपको नाम तरह के आएंगे ना, समझिए वो द्वितीय प्रदूषक होता है। जैसे SO2 ये अपने आप में एक है केमिकल, तो ये हो गया प्राइमरी मतलब मेन मेन प्रदूषक, प्राइमरी को, तो इसका द्वितीयक में आ जाएगा पैन आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा, ये सब आ जाए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था लेंडमैन के द्वारा। संतानवे क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉर कर्नाटक केरल हिमाचल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो गेहूं के खेत से मीथेन नहीं मिलता आपको, मीथेन आपको मेन कहाँ से मिलेगा ना, जहां पे पानी में बहुत सरे गले चीजें होंगी वहां से मीथेन मिलता है। नेचुरल चीज में बताता हूँ, जो गाय भैंस जमाई लेते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मीथेन आता है, धान के खेत से बहुत ज्यादा मीथेन, क्योंकि दलदली मिट्टी होती है, सरा गला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, मतलब कि धान का खेत बहुत ज्यादा सड़ जाता है ना चीजें, तो इसलिए मीथेन उससे निकलेगा। गन्ने के खेत से नहीं निकलता है, क्योंकि गन्ना का खेत में देखो कुछ सरा जैसा कुछ नहीं चाहिए, पानी भी बहुत होता है पर सरा नहीं होता चीजें, इसलिए वहां मीथेन की संभावना एकदम ना के बराबर है। पर धान की खेती हो गई, जो गाय भैंस जुगाली करता है जो है ना, उससे मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, केवल सी है, धान का खेत है इसका आंसर। गेहूं के खेत में तो पानी का जरूरत ही नहीं है ज्यादा, तो उसमें तो आएगा ही नहीं। 99 क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये मेसोस्फेयर का होता है सबसे कम, इस समताप मंडल में ही आपको ओजोन
O3 मिलता है ना, ओजोन, जो कि हमको बिहार, इंडिया को, भारत को, पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से बताता है। सवा क्वेश्चन है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, मतलब कि जो आपका एक लेवल से दूसरे, जैसे सबसे छोटा बकरी, बकरी के बाद उसको खाया मान लीजिए आदमी, तो ये तो बकरी में जो आया, मतलब पेड़ पौधे को खाया, पेड़ पौधे में कुछ मान लीजिए मैं फर्टिलाइजर डाला हो, तो बकरी में आ गया अंदर में फर्टिलाइजर, फिर फर्टिलाइजर को हमने खाया, बकरी को हमने खाया, तो वो बकरी से फर्टिलाइजर फिर हमारे शरीर में आ गया है ना, ठीक। इसी को बोला जाता है जो आपका फर्टिलाइजर बढ़ रहा है ना कंटेंट, अब बढ़ेगा कैसे देखिए, पेड़ जब बकरी ना एक पेड़ को तो खाएगा नहीं, पेड़ में तो एक पेड़ के अंदर में जो फर्टिलाइजर था उतना ही था, पर बकरी ने खाया हजारों पेड़ को, तो उसके हजारों फर्टिलाइजर गएंगे, हजारों फर्टिलाइजर के एटम मॉलिक्यूल जाएंगे उसके शरीर में, और इंसान खाया एक बकरी को नहीं, 10 बकरी को खाया, 50 बकरी को खाया, तो फिर 50 बकरी के बराबर उसके फर्टिलाइजर, सोचिए इंसान में और ज्यादा फर्टिलाइजर केमिकल अंदर में चला गया है ना, तो ये मैग्निफाई कर रहा है ना, आवर्धन हो रहा है ना, मैग्निफाई कर रहा है इस, और ये जैविक तरीके से, इसीलिए इसको जैविक मैग्निफिकेशन बोलते हैं। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सी सुसप्तारंभी, तो इस इंग्लिश अब देखते हैं वो इजी रहेगा, पायोनियर स्पीसीज है, तो लाइकन है, ये फल अलगी और फंगाई का, अलगाई और फंगाई का एक साथ रहते हैं तो उसको लाइकन बोलते हैं, तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो, एडवांस हो जाता है। रामसन कन्वेंशन है, कौन से कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो वेटलैंड, जो आपका आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। रामसर कहाँ पे, ईरान में है, 1972 में ये वहाँ पे हुआ था कि वेटलैंड है ये, इसको बचाना है हमें। 103वां क्वेश्चन, इटाई इटाई जो डिजीज है ये आपका कैडमियम से होता है, मरकरी से मिनामाटा डिजीज होता है, मिनामाटा, अब मिनामाटा कहाँ है, जापान में, वहीं पे मिनामाटा डिजीज मरकरी से होता है, कैडमियम से होता है, इटाई इटाई टाई 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 कैडमियम, टाई टाई कैडमियम। 104वां क्वेश्चन है, नॉट है इन सीतु कंजर्वेशन में, तो देखिए इन सीतु मतलब हो गया वहीं पर स्व स्व स्थान है, मतलब कि आप फॉरेस्ट है जंगल, तो अब जंगल में ही आप उसको कंजर्व कीजिए, मतलब पेड़ वहीं पे उगा हुआ उसको कंजर्व कीजिए, ना काटने से बचाइए उसको, बाहर में कोई आके उसको जला नहीं दे, उसे जब बचाना है, तो इसी को बोला जाता है इन सीटू या स्व स्थान है। अब आपने गार्डन बनाया है ना, तो गार्डन में तो आप पेड़ इधर उधर से लेकर आ रहे हैं, तो गार्डन एक सीतु हो गया, एक सीतु, इन सीतु नहीं, एक सीतु हो गया, एक, क्योंकि आप वहां पेड़ उसमें क्या जंगल से कहीं लेकर आए हैं गार्डन में लगाए हैं, तो इसीलिए वो एक सीतु हो जाएगा है ना, तो आपको इन सीतु नहीं है, मतलब एक सीतु खोजना है ना, नहीं खोजना है, तो वनस्पति विज्ञान तो इन सीतु हो, क्योंकि वहीं पर आप उसको, मतलब ये देखिए उद्यान आ गया ना गार्डन, जो गार्डन में आप मतलब जमीन लिए, फिर उसमें एक पेड़ गंदा का यहाँ कहीं से लेकर आए, बड़ा पेड़ कहीं से लेकर आए, तो आप खुद बना रहे हैं है ना, तो इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से हो गया एक सीतु। नेशनल पार्क वहीं पे पेड़ उगा हुआ है, अब उसी को बस कंजर्व करना, आपको जलने से बता, वन जीव है वो भी वहीं पे है, उसको बचाना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन है, बिना दोहराव के इतना का उपयोग करते हुए 4 अंक की संख्या कितनी है, तो देखिए 4 अंक मतलब 1 2 3 4, तो पहले में आपको क्या आ सकता है, 0 नहीं आएगा, 0 अगर आ गया तो 3 अंक का संख्या हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3, ये जो 4 अंक की संख्या, तो ये 4 अंक की थोड़ी, ये तो 123 है, 3 अंक की संख्या, तो आपको 0 पहले में नहीं लाना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो पहले पोजीशन में आप कितने ला सकते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने अंक आ सकते हैं, 4 अंक आ सकते हैं। अब 4 में से सपोज कीजिए कोई एक ए आ गया, अब बचा कितना 4, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं अंक, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 3 अंक आ जाएंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या बोला, दोहराव नहीं करना है, बिना दोहराव 3 आ सकते हैं, और फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे, तो इस सभी को इंटू कीजिए, तो इतने नंबर आ सकते हैं,
को 16 6 16 6 96, तो इसका आंसर 96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और यही बोलता है दोहराव के साथ, तो 1 2 3 4, तो पहले में तो आपको 4 आते हैं, दूसरे में आते हैं 5, ठीक, और तीसरे में भी 5 आते हैं, और चौथे में 5 ले सकते थे, तो ये होता अगर दोहराव होता तो, पर यहाँ बिना दोहराव का, तो 4 × 5³ इसका आंसर होता अगर दोहराव वाला केस में। अभी क्या इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन को सारा भी आंसर आएगा 96, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसके इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। तो यदि शब्द हाइट को इतना लिखा गया है रूप में कोडित है और लूज को इतना है तो कोडित किया गया, तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए देखिए, हाइट का पोजीशन कितना है, 8वां पोजीशन होता है मैथ में, इंग्लिश में 26 में 8वां पोजीशन है, ई का 5वां पोजीशन है, तो यही किया है, टी का पोजीशन होता है 20, तो यही किया है, सबको ऐड कर दिया, 8 को ऐड किया 1 से 9 हो गया, 5 को 1 किया 6 आ गया, 20 को ऐड किया 21, तो सभी का जो इंग्लिश पोजीशन है उसको ऐड कर दिया है। एक चीज़ याद कर लीजिए पोजीशन से रिलेटेड, EJOTY, ये 5 का मल्टीपल होता है, ई का पोजीशन 5 हो गया, जे का पोजीशन 10 हो गया, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, वाई का पोजीशन 25, कम से कम इस तरह से याद रखिए। ऐसे ही देखिए, ओ का भी हमने बताया, पहले इस तरह से याद कीजिए, ओ का पोजीशन 15 है, ठीक, तो देखिए 16 ऑप्शन वाला कितना है, सब में 16 है, तो आपको और का निकालना पड़ेगा, एम का पोजीशन 13 होता है, तो इसलिए 14 आ जाएगा, ओ का पोजीशन 15 इसलिए 16 आ जाएगा, बी का पोजीशन 2 है इसलिए 3 आ जाएगा, एल का पोजीशन आपका है 9, आई का पोजीशन है आपका 9, आई का पोजीशन 9 है तो 10 आ जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ना, ऐसे ही पोजीशन जो भी हम इंग्लिश में उसको +1 कर देना, इसका यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में अवस्थित कीजिए, स प्राध्यापक प्राध्यापक सहायक, तो सबसे ऊपर हो गया आपका प्राध्यापक, सबसे ऊपर ये हो गया, उसके नीचे आ गया आपका एसोसिएट प्रोफेसर, और सबसे और नीचे आ गया असिस्टेंट प्राध्यापक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 बच्चों के लिए कुछ कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का आधा गुना मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है, देखिए तो पहले बच्चे को मतलब ये है, मान लीजिए टोटल मतलब x है, मतलब कुछ चीज x है, तो पहले बच्चे को मिलता है 1/2 आधा मिलता है, दूसरे बच्चे को मिलता है b, मान लीजिए दूसरा बच्चा है 1/4 किसका, पहले बच्चे को जितना मिलता, फिर बचा तीसरे बच्चे को 3/4 पहले चाइल्ड के मुकाबले 1/2 मतलब 3/8 ऑफ x, ऐसे ही। अब देखिए सभी को ऐड कर दीजिए, मतलब 1/2 1/8 3/8 इन सभी को ऐड कीजिए, तो 3 बच्चे का आ गया 3/8 एक्स 1/2 प्लस 1/8 इन सभी को ऐड कीजिए आप,
तो 3 + 4 + 1 x, तो x हो जाएगा, टोटल x हो गया, मतलब तीनों को मिला के x हो गया, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीन बच्चे में x बच चुका, चौथे के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन निकालना, कुछ बचा ही नहीं, उसको जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा 108 वाले को, तो इसका आंसर इसलिए e हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। 109वां क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज, तो देखिए स्क्वायर है, एरिया मान लीजिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया, और इसका एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2 देखिए a/2 a² - a² / 4 √3/4 होता है इंटू b² इसका साइड मान लेते हैं, मतलब साइड है b, तो b² हो जाएगा। तो आपको यही बोल रखा है, क्या बोला है रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड साइड ऑफ द, तो a/b का होल स्क्वायर आ जाएगा √3/4, ठीक ना, तो √2 कीजिएगा तो ये रूट बचेगा, √√3/2 आएगा इसका आंसर, तो मतलब 3^4/2 इसका आंसर आएगा, जो किसी में नहीं है, √3/2 नहीं आएगा, एक और √√3 = 2 आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात करना, 3, 8, 13, 21, 43, तो देखिए देखिए यहाँ पे गैप कितना है, 12 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है 10 का, यहाँ पे गैप है 8 का, तो 8, 10, 12, तो यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए, 6 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 का गैप हो तो 7 आ गया, 8 की जगह हम 7 करते हैं, 7 + 6 = 13 आ जाएगा, और 7 - 4 = 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही, 8 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो आंसर इसका सी है। 111वां क्वेश्चन है, गलत संख्या को ज्ञात करना, तो देखिए द्वितीय 6, 6 * 3 = 18, 18 + 3 = 54, 4 * 12 = 32, 36 + 3 = 108, ऐसे ऐसे करें, ऐसे 5 * 3 = 15, 15 * 3 = 45, और 15 * 3 = 135 होता है, तो ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे 135 होगा, इसका आंसर सी है। 112वां क्वेश्चन है, ए 10 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी कौन सा सत्य है, ए बी सी, तो देखिए कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ए बी साइड होता है, तो एक प्रॉपर्टी होती है आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, कोई भी साइड 2 + c + b > a होना चाहिए, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए सभी, तो यहाँ पे देखिए आप दो ही कीजिए, आप ए प्लस सी कीजिए, अब कीजिए बी प्लस सी कीजिए, क्या आ जाएगा 6 + 3 = 9 आ गया, 9 ना लेस देन है 10, पर इसको आना चाहिए था 9 > 10 आना चाहिए था, है ना, मतलब बी प्लस सी ग्रेटर देन ए आना चाहिए था इसको, पर आया नहीं, तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, त्रिभुज तो बना ही नहीं पाएगा ये, तो जितने भी ऑप्शन त्रिभुज वाले सब गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर सीधा ई हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई है, मदन और करण के बीच क्या, तो देखिए मदन का भाई ब्रो कोई है, नहीं यहाँ पर लिखिए मदन का भाई कोई है, उसके अंकल, मदन का भाई ब्रो कोई है, उसका अंकल है ना, अंकल करण कोई है, उसके फादर है,
उसका भाई है ब्रो। हमें क्या निकालना है, करण और मदन में। तो देखिए ये भी अंकल के मतलब ऊपर तक गया है, ये आदमी इधर से भी भाई आ रहा है, भाई का रिलेशन ऊपर में। इसके फादर और इसके बीच में अननोन आदमी के बीच में भाई का रिलेशन है, करण के फादर और अननोन। और इस आदमी का भी भाई का ऊपर में जा रहा अंकल, मतलब फादर और अंकल तो एक ही लेवल के आदमी हो गए ना, तो मतलब ये दोनों एक तरह से भाई अपने भाई हो सकते, कजन ब्रदर भी निकाला जा सकता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन के साथ से सीधे हो गया भाई हो गए। हमें लूप निकालना है, तो देखिए यही चीज मैंने एक बताया था, EJOTY, ये सभी पांच के होते हैं, पांच पोजीशन होता है, 10 पोजीशन, 15, 20, 25। तो ऐसे ही देखिए उल्टा करके दे दिया, वाई का 25 पोजीशन है, टी का 20 पोजीशन, ओ का 15, तो यहाँ पे जे आ जाएगा 10 पोजीशन पे, फिर ई आ जाएगा 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सीधे। ये याद रखिए, शॉर्टकट है, ये काम आता है कभी कभी, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रायंगल निकालना कितने हैं, तो देखिए निकाल देते हैं। देखिए इतना जान लीजिए, अभी सभी ऑड, इसमें ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर मतलब ये 10, 9, 8, 7 ऐसे ही आएगा। तो पहले एक का निकालते हैं, एक का मतलब एक, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और फिर ये 6, 6 टोटल हो गया, छो एक एक वाला 6 हो गया। अब डबल डबल करते हैं, 7, 8, फिर ये 9, फिर ये 10, तो टोटल 10 हो चुके हैं। हम फिर 3 का करते हैं, 11, फिर ये 12, 3 का हो गया, फिर 4 का करते हैं सभी का, तो ये 13, तो ये 13 तक पहुंच चुका है, 13 हो चुका है इसका आंसर। 116वां क्वेश्चन, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है, वह किस दिशा में है। तीन किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो आपको पता ही होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दक्षिण हो गया, तो 3 किलोमीटर चल रही है इधर, दक्षिण की ओर चल रही है, फिर दाएं मुड़ती है। अब देखिए कुछ इधर मुड़ा हुआ है ना, अब खुद सोचिए इधर मुड़ा हुआ तो दाएं इधर होता है, 6 किलोमीटर चलती है इधर, सॉरी 2 किलोमीटर चलती है इधर दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर चलती है, फिर दाएं इधर, कोई आदमी इधर है मुड़ा हुआ इस साइड में, तो उसका दाएं कौन सा ऊपर होता है, दाएं मुड़कर फिर से 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, तो अब ऊपर कोई मुड़ा हुआ है तो बाएं का मतलब किधर, इधर मुड़ता है वो, तो इधर मुड़ता और चलता है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है वो, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन वेस्ट का हो गया। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए क्या किया है, पीछे 2 नंबर को ऐड कर दिया, 84 प्लस 28 कीजिएगा तो 112 आएगा, फिर 112 प्लस 84 कीजिएगा तो 196 आ जाएगा, फिर 196 प्लस 112 कीजिएगा तो 308 आएगा, ऐसे ही करते जाइए, 308 प्लस 196 कीजिएगा तो 504 आएगा, पर 308 प्लस 504 कीजिएगा तो 872 नहीं आता है, 812 आता है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 872 की जगह 812 होना चाहिए यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है यू बी आर बैड, और इसका अर्थ है ये, तो एंड का निकालना है आपको। देखिए तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, आर कॉमन है ना, तो
तो नंबर में कौन सा कॉमन है? छः, मतलब आर मतलब छः होता है, ठीक ना, नंबर में छः कॉमन है, ठीक। तो आर छः निकल गया आपको। फिर दूसरे में निकालते हैं, तीसरे में बेड है, तो बेड है इसमें और इसमें कॉमन है, तो नंबर में कौन सा कॉमन? तीन कॉमन है, तो बेड आ गया तीन, ठीक। आर आ गया छः, तो बी का मतलब आपको नहीं निकालना है, तो बी का आ गया पांच, है ना। तो ये दोनों आ गया है ना, इसमें आर आर कॉमन था तो छः छः कॉमन था, तो छः गुड आ गया, गुड का छः आ गया। इसमें बैड बैड कॉमन है और नंबर में कौन सा कॉमन है? तीन कॉमन है, तो बैड आ गया तीन। और इसमें मतलब 300, इसमें गुड एंड बैड और यू आर गुड में कौन कौन सा कॉमन है? गुड कॉमन है, तो गुड कॉमन है, तो नंबर में कौन सा कॉमन है? पाँच कॉमन है, तो गुड पाँच आ गया, तो बचा यू, तो मतलब छः और पाँच, यू का यू हो गया दो, या इसमें दिखा लिए पाँच आ गया गुड और बैड है तीन, पाँच है गुड, तो बचा क्या? आठ कॉम बचा है ना, आठ बचा, एंड मतलब आठ हो जाएगा। ऐसे करना होता है, कॉमन जो है वो दो 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 सब सेंटेंस में देखिए कॉमन क्या है शब्द और नंबर में कॉमन क्या है, तो मतलब वो उसका होगा। 119वां कैसे? छह सड़क एक दिशा की ओर जाती है, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षर और एक दो तीन द्वारा अंकित किया गया है। जब तूफान आता है वायु अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो एक्स एक तो प्रभावित होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत लंबा है, पर ये बनेगा बहुत ही आसानी से, करना कुछ नहीं, जो बोल रहा है बस करते जाइए। छह सड़क एक दिशा की ओर जाती है, इस इनमें एक्स वाई जेड अक्षर एक दो तीन द्वारा इंगित किया गया है। देखिए एक्स वाई जेड एक दो तीन। अब देखिए जब तूफान आता है वायु अवरुद्ध हो जाता है, वायु तूफान में अवरुद्ध हो गया है ना, तूफान मतलब ती लिख दीजिए, तूफान में खत्म हो गया वो। जब बाढ़ आती है एक्स एक दो और दो प्रभावित होते, बाढ़ बी लिख दीजिए, बाढ़ बी बाढ़ एक दो प्रभावित होते हैं। जब सड़क एक अवरुद्ध हो जाती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, एक अवरुद्ध होता है तो मतलब जेड भी अवरुद्ध होता है ना, ये अवरुद्ध होने के बाद ये भी खत्म हो जाता है, मतलब बाढ़ आता है तो एक भी अवरुद्ध होगा और जेड भी अवरुद्ध हो जाएगा, है ना, बाढ़ मतलब जेड भी अवरुद्ध हो रहा है, ठीक। बाढ़ से एक ही समय जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जाए? तो बचा कौन सा? बस एक ही बचा, तीन, जो कभी अवरुद्ध नहीं हो रहा, तीन, तीन ही, तूफान में ये हो रहा है और बाढ़ में ये सभी हो रहे हैं, तो तीन, तीन ही बचा आपका, तो इसका आंसर तीन होगा, सही, तीन का उपयोग कीजिए। देख कितना लंबा था, मगर कितना नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को ऐसे लिखा जाता है और उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? देखिए डी है -1 करके सी आ रहा है, ई को -2 करके सी आ रहा है, एल को -2 करके आई, -3 करके आई आ रहा है, ऐसे ही आई को ऐसे, और एच को -4 करके डी आएगा, आई को -5 करके आई आएगा, ऐसे ही आप देखिए बी को एक बार माइनस कीजिएगा तो ए आ जाएगा, ओ को दो बार माइनस कीजिएगा तो जे आ, जी तो ओ को दो कीजिएगा माइनस तो एम आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ई भी है, तो थोड़ा चेक कर लीजिए, वैसे करने से सी ही आ जाएगा आपको, थोड़ा एक एक शब्द का निकाल लीजिएगा और हड़बड़ी में तो मार भी दीजिए, नेगेटिव तो है नहीं, मारिए फटाफट, 120 क्वेश्चन आता है तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, तो मार सकते हैं सी डायरेक्ट भी, दो ही निकाल के, नहीं तो अदरवाइज इसको पूरा चेक कीजिए। तो ये था आपका 1 से लेकर 20 क्वेश्चन 24 अगस्त के परीक्षा का, सिटिंग 2 का क्वेश्चन।
अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और भी दूसरे पेपर को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्यूशन बताया जाएगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।